नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम नेक्स्ट टाइप जो कर रहे हैं उनमें कई क्वेश्चन में ऐसे आता है, जैसे हमें गिवन होता है डिफरेंस बिटवीन, मान लीजिए डिफरेंस दिया हुआ मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में फॉर 2 ईयर्स ऑन सेम सम एट सपोज 10% पर एनम इज ₹65। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स ऑन सेम सम एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज ₹65। ठीक है, फाइंड द सम। कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस गिवन है 2 ईयर्स के लिए। तो मैं निकालता हूं, पहले देखिए, पहले हम इसको इस तरह से अप्रोच करते हैं, जो पहली लाइन है उसी के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। लेट प्रिंसिपल इज पी, प्रिंसिपल हमारे पास पी हो गया। तो अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम विल बी, क्या वैल्यू आएगी देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की पी इंटू 1 प्लस 10% है, पावर 2 है क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, माइनस पी, यही बात होगी ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, तो ये तो क्या हो गया, अमाउंट हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विल बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये कितने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, 2 ईयर्स का। फिर मैं निकालता हूँ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स सेम अमाउंट पे कैसे आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, यही बात आएगी ना। अब मुझे कहा गया है कि दोनों का डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स ऑन सेम सम एट दिस दिस इज ₹65। अब ज्यादा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज्यादा आएगी इसका मतलब। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से ये यहां पर आर की वैल्यू हमने क्या लिखनी है, 10 लिखनी है यहां पर, माइनस पी। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में से मैं माइनस कर दूं किसको, सिंपल इंटरेस्ट को 2 साल के, तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 65 आनी चाहिए। ये बात समझ में आई, सभी वही बातें थी, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकाला, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 65। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसलिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिखा हुआ है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ग्रेटर होती है, तो इसलिए ये अंडरस्टूड था कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर पी है, ये एक टर्म है, इसमें पी है, यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है, तो पी को मैंने कॉमन ले लिया सभी में से। पी को अगर मैं कॉमन ले लूँ और ये इससे कैंसिल हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 11/10 इंटू 11/10, पावर 2 थी तो मैंने इस तरह से लिख दिया, -1 बच जाएगा, यहाँ से पी जा चुका है, माइनस यहाँ से पी जा चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, 20/100 इज इक्वल टू 65। अब इस बात को सॉल्व करके लिखना है, बस मुझे इस बात को सॉल्व करके लिखना है, तो मैंने इसको लिख दिया, दिस इज 121/100, माइनस इसको 100 लिख दूं, माइनस इसको 20 लिख दूं, और क्यों ना सबका एलसीएम 100 ही ले लिया जाए। सबका एलसीएम अगर 100 ले लूंगा तो इसके नीचे भी 100 है, इसके अपॉन में भी 100 है, इसको मैं 100 लिख दूंगा, इज इक्वल टू 65, और यहाँ पर क्या है पी, सो पी विल बी 65 × 100, ये उधर चला जाएंगे तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 121 - 100, तो 21 21 - 21, तो इसका मतलब 1/100 बचना था, 1/100 क्या होगा, 65 × 100, सो ₹6500 वॉज दी प्रिंसिपल। बात समझ में आई, जैसे जैसे इसने कहा था कि डिफरेंस दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो रेट दी हुई थी, जो डिफरेंस दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑपरेट किया, सिर्फ हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, हमने बस प्रिंसिपल लेट किया था, और जो इसने कहा था कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग करते चले गए। एक और देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन, अब की बार कहा गया है ऑन ए सम डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 5% इज ₹61, फाइंड प्रिंसिपल। ऑन ए सम डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 5% इज ₹61, फाइंड पी। ठीक बात है, फिर से उसी तरह क्वेश्चन है, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल हमने लेट किया, तो हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स,
मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ 3 ईयर्स के लिए, कैसे निकलेगा देखिए। पी इंटू वन प्लस रेट है 5%, पावर है 3, ये तो हो गया अमाउंट। माइनस करोगे प्रिंसिपल तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ मैं 3 ईयर्स का, तो मैंने क्या लिखा, पी और रेट कितना है 5, टाइम कितना है 3 ईयर, डिवाइड बाय 100। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 5%। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, क्वेश्चन में कहा गया था कितना आएगा, 61 आएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, पी इंटू वन प्लस 5 बाय 100 पावर 3 माइनस पी, ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, माइनस पी इंटू 5 इंटू 3 बाय 100 इज इक्वल टू रुपीज 61। यही गिवन है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज इक्वल टू 61। अब इस बात को हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, अब इसको बिल्कुल उसी तरह से, पहले टर्म में भी पी है, दूसरे टर्म में भी पी है, तीसरे टर्म में भी पी है, तो पी मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैंने पी को कॉमन ले लिया। ये क्या हो जाएगा 1, और यहां पर क्या आ जाएगा 20, तो ये 21 बाय 20 आ जाएगा, 21 बाय 20। तो 21 का क्यूब तो हो जाएगा 9261, और 20 का हो जाएगा 8000 माइनस पी, माइनस इन दोनों के पी तो मैंने कॉमन ले लिया सॉरी, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15 बाय 100 इज इक्वल टू 61। कैंसिल मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एलसीएम लेने में इजी रहेगा मेरे लिए काम, तो मैंने एलसीएम ले लिया 8000, और यहां पर ये बाहर पी कॉमन है 8000 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 9261 माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा 8000 माइनस। अब ये इन दोनों कैंसिल करोगे तो 80 आना पड़ेगा ना, 80 से 80 आएगा इसको डिवाइड करने पे, 100 से 8000 को, तो 80 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू 61। ये बात समझ में आई। अब जब न्यूमरेटर पार्ट को मैं सेल्व करूं, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 1261, 1261 माइनस 1200 क्या हो जाएगा 61 डिवाइड बाय 8000 इज इक्वल टू 61। तो पी मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, इसको ट्रांसपोजिंग करोगे तो 8000 डिवाइड बाय 61 हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रुपीज कितना आ जाएगा 8000। इसका मतलब प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ गया, 8000 रुपीज आ गया, ठीक है। इन्होंने डिफरेंस दिया था तो मैं उसको उसी अकॉर्डिंग, डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करता चला गया, जो भी होता गया मैं लिखता चला गया, भाई ये हो रहा है ये हो रहा है, और लास्ट में आंसर आ गया, ठीक है। एक और देखते हैं इसमें, हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। हम एक और एग्जाम्पल में कहा गया है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज एक्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। एक हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, प्रिंसिपल इज रुपीज एक्स, किस रेट से इन्वेस्ट किया है हमने, 20% पर एनम से इन्वेस्ट किया है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल तक, 3 साल तक। इट बिकम्स वाई, ये क्या बन गया मेरे पास, वाई बन गया। मुझे क्या फाइंड करना है, वाई रेशियो एक्स फाइंड करना है। कहने का मतलब है आपने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए, 20% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है आपको 3 साल तक। तो ये कह रहा है कि जो आपके एक्स था वो क्या बन गया, वाई बन गया, मुझे वाई रेशियो एक्स फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे देखिए, जो बातें पता है हम उनकी उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। प्रिंसिपल इज एक्स और बिकम्स वाई, मतलब अमाउंट इज वाई, अमाउंट इज वाई, प्रिंसिपल इज एक्स, 1 प्लस r इज 20 बाय 100 पावर 3। ये बात समझ में आई, एक्स रुपीज जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना बन गया, वाई बन गया, तो इसका मतलब अमाउंट कितना है, वाई है, तो यहां पर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब वाई बाय एक्स की वैल्यू मैंने इजिली निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा ये 6 बाय 5 की पावर 3 आ जाएगा, और ये कितना होता है 216 डिवाइड बाय 125। तो वाई रेशियो एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, 216 डिवाइड बाय 125। ये बात समझ में आई। अच्छा एक और देखते हैं हम इसमें, लास्ट और देखते हैं भाई इसमें। लास्ट में हमने क्या देखा कि सिंपल इंटरेस्ट एट 5% फॉर 3 ईयर्स इज ₹1200। हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, प्रिंसिपल इज एक्स, और हमने इन्वेस्ट किए हैं 5% पर एनम, 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज ₹1200।
अब इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस पे हम फुल सिलेबस करने वाले हैं, आईसीएससी का भी, और आईसीएससी का जब हम करेंगे तो सीबीएसई का इजीली कवर हो जाएगा उसमें। और सीबीएसई और आईसीएससी के बाद भी हम इसमें जो नए वीडियोस हैं वो हम दूसरी बुक से डालेंगे, कुछ कंपटीशन की जो बुक्स आती हैं एनटीएससी लेवल की, तो उसमें से करेंगे। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिलहाल इसी एग्जांपल को हम करते हैं। प्रिंसिपल इज एक्स, 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज ₹1200। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम सम। मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड, फॉर सेम पीरियड एट सेम रेट। बात समझ में आई? ये कह रहा है कि प्रिंसिपल कुछ था हमारा, हमने 5% पर लगाया उसको और 3 साल के लिए, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? ₹1200 आ गया। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट कहा गया है क्वेश्चन में। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसी पैसे पे, उसी टाइम पीरियड के लिए, उसी रेट के हिसाब से क्या मिलेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, पहले तो वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं। प्रिंसिपल इज एक्स, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये किसका फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट का। इन्होंने कहा था कितना आ जाएगा, वो 1200 आ जाएगा। सो एक्स विल बी 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15। ट्रांसपोजिंग कर दी तो 15 इंटू दिस करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो ये कितना होगा? ₹8000। पहली लाइन के हिसाब से मुझे जो बातें बताती, मैंने कैलकुलेट किया। प्रिंसिपल एक्स था, रेट 5% थी, 3 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ जाएगा? 1200। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। नाउ व्हाट वी नीड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर व्हाट? फॉर सेम सेम सम विच वॉज हेयर। व्हाट वॉज दैट? 8000। फॉर सेम पीरियड हाउ मच इट वॉज देयर? 3 ईयर्स। सो फॉर 3 ईयर्स सेम रेट इट वॉज 5%। सो 5%, सो इट मीन्स वी नीड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट विल बी इक्वल टू, फॉर द सेम सम मीन्स रुपीज 8000 इंटू 1 प्लस रेट विल बी द सेम 5/100 पावर 3 -8000। ये बात समझ में आई? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, सो दिस इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो व्हाट इट इज? इट इज 8000 इंटू 1 प्लस दिस इज 20, सो इट बिकम्स 21/20 पावर 3 -8000। सो दिस विल बी 8000 इंटू 9261 डिवाइड बाई 8000 -8000। सो दीज टू गेट्स कैंसल्ड। सो 9261 -8000 विल बी 1261। सो दिस इज दी कंपाउंड इंटरेस्ट विच ही विल अर्न ऑन दिस वैल्यू ऑन द सेम सम दैट वॉज 8000 इन 3 ईयर्स। ओके, तो ये हमने जो मेन टाइप्स थे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के, दो ये डिफरेंस वाले टाइप बच गया था, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बच गया था। कुछ एक ये इस तरह से रेशियो निकालना, या इस तरह से भाई उसी प्रिंसिपल को उसी रेट पे उसी टाइम के लिए अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूँ तो वो कैसे निकालेंगे, वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बचती है। इम्पॉर्टेंट बात वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसके लिए खैर हम थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लें उस बात को। उस बात को रिवाइज करने के लिए मैंने क्या कहा था कि मान लो अगर मुझे कहा जाए कि फर्स्ट ईयर के लिए आपका रेट 5% है, सेकंड ईयर के लिए मान लो 8% है, थर्ड ईयर के लिए मान लो 10% है, और आपने ₹100 ले रखे थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। मैंने कहा था जब अलग अलग रेट आ जाएंगे तो अमाउंट विल बी पी इंटू 1 + R1/100, 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो बात थी पैसे की। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के, उनमें हमारे पास क्या इन्वॉल्वमेंट थी? पैसे की इन्वॉल्वमेंट थी। अब जो नेक्स्ट जो टाइप आता है उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन हैं वो होंगे वैल्यू बेस्ड। किसी चीज की वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू क्या है? किसी चीज का रेट, किसी चीज का रेट घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। अगर मैं आपकी कार बाइक इन सब के रेट की बात करूं, आपके घर की बात करूं, या किसी एरिया के पॉपुलेशन की बात करूं, अब जो क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट जो टाइप है उसमें हमारे पास कंसेप्ट तो यही रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन उस कंसेप्ट में पैसे की बात ना करके हम इन तीन चार चीजों की वैल्यू की बात करेंगे। वैल्यू के बारे में अलग बात क्या है? वैल्यू के बारे में अलग बात ये है कि हो सकता है वो वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ भी सकती है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वैल्यू घट भी सकती है।
तो इन ये जो केस होंगे कार बाइक हाउस पॉपुलेशन, इनमें क्या है, इनमें जो फॉर्मूला है जो कंसेप्ट है वो तो आत्मा तो उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सिस्टम ही है, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन आ जाएंगी। पैसे के मामले में हमें पता था कि 1 साल बाद अगर हम उससे लेंगे तो वो बढ़ेगा, तो इसलिए हमने 1+R/100 लिखते थे कि इस रेट से बढ़ेगा। लेकिन जो वैल्यूज हैं वो एप्रिशिएट भी हो सकती हैं, वो डेप्रिशिएट भी हो सकती हैं, मतलब वो बढ़ भी सकती हैं, वो कम भी हो सकती हैं। पॉपुलेशन जो है इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। आपके घर की जो कीमत है, जो हाउस प्लॉट इन सब चीज़ों की कीमत है, वो बढ़ भी सकती है और वो घट भी सकती है। अब उसमें हमें नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली। नेसेसरी चेंजिंग से मेरा मतलब ये है कि जब वो बढ़ेंगी, जब किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें 1+R/100 एज इट इज रहेगा, जिस हिसाब से बढ़ेंगी वो। अगर हमारे क्वेश्चन में उनकी वैल्यू कम हो रही है, देन इट बिकम्स 1-R/100। ठीक है, अगर उनकी वैल्यू बढ़ेगी तब तो हम 1+R/100 के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर उनकी वैल्यू कम होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन इन द फॉर्मूला वी विल स्विच टू 1-R/100। ये बात समझ में आई? इसके बारे में एक दो बातें और डिस्कस करते हैं हम। अब जैसे गाड़ी है आपके पास, सपोज यू हैव ए कार, कार विच यू बॉट इन सपोज 2016, कार बॉट इन 2016 एंड यू हैव पेड रुपीज 5,20,000 टू बाय दैट कार। यू हैव बॉट इट इन 2016 एंड यू हैव पेड 5,20,000 फॉर इट, एंड टूडे द वैल्यू ऑफ दैट कार विल ऑब्वियसली डेप्रिशिएट। इनिशियल वैल्यू, अगर आपने नई गाड़ी 5,20,000 की ली है, तो आज उस गाड़ी के 5,20,000 रुपये नहीं देगा कोई। तो नॉर्मल कंडीशंस की बात हम कर रहे हैं। तो सपोज इट डेप्रिशिएट्स एट 2% पर ईयर। इट डेप्रिशिएट्स, डेप्रिशिएट्स का मतलब क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। किस रेट से कम हो रही है? 2% पर ईयर के हिसाब से कम हो रही है। फाइंड इट्स कॉस्ट इन 2019। फिर हम पता करना चाहते हैं कि उस गाड़ी की 2019 में क्या कीमत रही होगी। ठीक है, हम उसकी किसी भी ईयर में फाइंड कर सकते हैं, पहले बाद में कुछ भी। तो हमने 2019 की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं 2016 में कॉस्ट थी उसकी 5,20,000, डेप्रिशिएट्स इट। अब इसका मतलब ये हो गया, अब इसमें मुझे ये जो कंसेप्ट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो उसको लेके आना है। अब देखिए, अब अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मेरा प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ये क्या है? देखिए, दिस इज इन द बिगिनिंग ऑफ 2016, इन द बिगिनिंग ऑफ 2016 एंड वी हैव टू गो टू 2019। 2016 से मुझे कहाँ जाना है? 2019, वी वॉन्ट टू रीच हेयर। सो दिस इज द इनिशियल वैल्यू इन 2016। सो दिस इनिशियल वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल एंड वी आर लुकिंग फॉर अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। दिस 5,20,000 विल बी हाउ मच इन 2019, प्रोवाइडेड दैट रेट एट विच इट डेप्रिशिएट, रेट एट विच इट डेप्रिशिएट्स इज 2% पर एनम। ओके, तो हम ले आए कि प्रिंसिपल हमारे पास है, रेट हमारे पास है, और हमें 2019 तक जाना है, 16 से 19 तक जाना है। तो इसका मतलब टाइम इज अगेन 3 ईयर्स, टाइम इज अगेन 3 ईयर्स। सो नाउ व्हाट वी हैव, वी कैन हैव अमाउंट और द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? देखिए, अब कम हो रही है, ये ध्यान रखना है। जब भी कम होगा तो आपको फॉर्मूले में 1-R/100 पावर t लिख देना है। जब भी कम हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले में? 1-R/100। सो दिस इज 5,20,000 इंटू 1 माइनस, रेट इज हाउ मच? रेट हमारे पास कितना था? 2/100 पावर 3। ये बात समझ में आई? सो दिस इज द अमाउंट विच विल बी आफ्टर 3 ईयर्स।
तो कितनी कीमत बचेगी गाड़ी की अगर मुझे निकालना हो 5,20,000 रुपए की जो इनिशियल वैल्यू थी, तो इसको मैंने अगर मैं कैंसिल कर दूं, दिस विल बी 50, सो दिस इज 49 × 49 × 49 डिवाइड बाई 50 × 50 × 50। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व में देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 5 × 5 = 4, यही बात बनेगी ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं अब इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये हो गया मेरे पास 104 और ये हो गया 49 का क्यूब आ गया मेरे पास। तो ये 104 × 49³ इज 117649। 49 का क्यूब कितना हो जाएगा, 117649 डिवाइडेड बाय 125, सॉरी 25, 125 नहीं, ओनली 25। ये एक 5 तो कैंसिल हो गया था, सो 5 × 5 = 25 रह जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 25 से, तो 25 × 4 = 100 हो जाएगा, तो 176 आ जाएगा, तो 7 और फिर आ जाएगी 05.9, लगभग इतना आंसर आ जाएगा मेरा, 470.5, 470.5.9 या 6 जो भी है। अब जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये लगभग 4,89,419.84 लगभग इतना आंसर आ जाएगा मेरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी हमने 5,20,000 रुपए में 2016 में खरीदी थी, अगर 2% उसकी कीमत हर साल कम होती रही तो 2019 में उसकी कीमत कितनी बच जाएगी, 4,89,419.84। अब इसमें किस चीज का यूज हुआ, यूज वही कंसेप्ट हुआ है लेकिन वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही थी तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें अगले में हम देख रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी कह लो या विलेज कह लो या टाउन कह लो, कुछ भी कह लो, तो पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी की बात कर रहे हैं हम। इन 2000 सपोज 18 पॉपुलेशन वॉज, इट्स पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 2018 इज सपोज 50,000, 50,000 लोग रहते थे उसमें। एंड वी नो दैट पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट सपोज 5%, 5% पर एनम, ठीक है। एक सिटी की पॉपुलेशन थी 2018 में 50,000, इंक्रीज कितनी करती है, 5% पर एनम इंक्रीज करती है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, इट्स पॉपुलेशन इन 2020 और इट्स पॉपुलेशन इन 2016, मुझे दो वैल्यू फाइंड करनी है, बात समझ में आई। प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है, प्रेजेंट या प्रेजेंट छोड़ो, पॉपुलेशन इन 2018 लिख दिया हमने, कह 2018 में 50,000 लोग हैं गांव में सिटी में, 5% के हिसाब से इंक्रीज होगा, 2020 में कितना होगा। देखिए पहले पार्ट में जब मैं पहला पार्ट सोल्व करूंगा तो मुझे 2018 के बारे में तो पता है और मुझे कहाँ जाना है, 2020 के बारे में जाना है, और यहाँ मुझे पता है कि इनिशियल वैल्यू कितनी है, 50,000 लोग हैं मेरे पास, तो 2020 में कितने होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये मेरे पास इनिशियल वैल्यू है और मुझे फाइनल वैल्यू की तरफ बढ़ना है, तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू तो मेरे पास प्रिंसिपल होती है, फाइनल वैल्यू मुझे क्या होती है, अमाउंट निकालना है। रेट मुझे दिया हुआ है 5% पर एनम, मुझे भी पता है कि 2018 से, 18 में जो पॉपुलेशन थी इससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन होगी 2020 में, तो मैं निकालता हूँ पॉपुलेशन इन 2020 विल बी प्रिंसिपल इज दिस वैल्यू इंटू 1 + R1 / 100 × P/T। 2 साल बाद की निकालनी है। अब इसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें लिखी मिलेंगी आपको कि P0 भाई पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स विल बी P इनिशियल इनटू 1 + ये जो रेट ऑफ एप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन है जो भी है, रेट ऑफ एप्रिसिएशन डिवाइड बाय 100 / 2, इस तरह से / T, कुछ भी इस तरह चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। हमें हर चीज के लिए अलग फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो हमें इन P0 P1 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम सिंपल अपना वही जो फंडा जो हमें याद है उसी का उसी को अप्लाई करते चलेंगे हम। सो दिस इज 50,000 वॉज द प्रिंसिपल, 1 + ये हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा 21/20 और ये पावर 2 हो जाएगी। तो
तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 50,000 इंटू 441 डिवाइड बाय 400, पावर 2 थी तो हमने सोल्व कर दिया, 0000, इसको और कैंसिल कर दो अगर हो रहा है तो, हो रहा है तो 2 से, और यहाँ पर 250 और 2 से 125, 125 इंटू 441 और कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन आ जाएगी जो हमारे पास 2020 में हो जाएगी 2018 के बजाय। समझ में आई ये बात। अब सेकंड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या बात है, सेकंड पार्ट में बात ये है कि हमें पॉपुलेशन 2016 की पता करनी है। देखिए 2016 की पता करनी है और 2018 की मुझे मालूम है, 2018 की कितनी थी, 50,000 थी। अब मुझे वापिस आना है इससे, ठीक है, एक बात तो ये है। अब एक बात ये ध्यान रखो कि मान लो मैंने आज आपको 100 रुपीज़ दिए हैं, मान लो मैंने आपको आज 100 रुपीज़ दिए और ये 10% इंक्रीज कर दिया मैंने आपको, 100%, मैं आपको 100 रुपये देना चाहता था, मैंने आपको 10% इंक्रीज करके दे दिया, तो आपको मैंने कितने रुपए दिए, 110। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसमें से 10% वापस दो मुझे, तो आप कितने रुपए दोगे। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको 100 रुपये में 10% इंक्रीज करके दिया था, अब आप मेरे को जितने आपके पास पैसे हो गए इसमें से 10% दो, तो क्या आप इसमें से दोगे, नहीं इसमें से नहीं देंगे, क्योंकि अगर 110 में से 10% देने लगे तो आप मुझे कितने रुपए दे बैठोगे, 11 रुपए। जबकि मैंने जब आपको 100 पे 10% इंक्रीज करके दिया था तो मैंने आपको कितने रुपए दिए थे, 10 रुपए। बात समझ में आई, मतलब ये है कि फाइनल वैल्यू में से रेट परसेंटेज को कम करके आप इनिशियल वैल्यू पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू है तो बड़ा वैल्यू है, यहां से जितना 10% इंक्रीज हुआ था ना वो कितना, 10 ही था, तो यहाँ फाइनल वैल्यू में से 10% डिक्रीज करके आप वापस उसी पोजीशन पर नहीं आ सकते। यहां पर हमने करके भी देख लिया, अगर 110 में से मैं 10% हटा दूं तो आप 99 पर पहुंच जाओगे, 100 पर नहीं पहुंचोगे, ज्यादा पीछे पहुंच जाओगे आप। तो इसी बात का यहां पर यूज करना है कि अगर 50,000 2018 में है और हर साल कितनी बढ़ रही है, रेट क्या दे रखी है, 5% पर एनम दे रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50,000 में से मैं 5% 5% 2 बार कम करूंगा और मैं पीछे पहुंच जाऊंगा 2016 में, ठीक है। उसमें दिक्कत क्या है, ये मैंने आपको दिक्कत बता दी है कि भाई यहां पर अगर बड़ी वैल्यू का 10% करोगे तो वो बड़ा ही वैल्यू आएगी, तो इसलिए मुझे यहां से वापस नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको लेट करना है, लेट पॉपुलेशन इन 2016 वॉज सपोज एक्स, 2016 में पॉपुलेशन आपको कितनी थी, एक्स थी, पहले वाली वैल्यू आपको हमेशा लेट करनी है, फाइनल वैल्यू में से माइनस करके या फाइनल वैल्यू में से वही परसेंटेज कम करके आप इनिशियल वैल्यू पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि फाइनल वैल्यू आपकी या तो बड़ी होगी इनिशियल वैल्यू से या कम होगी, अगर वो इनिशियल वैल्यू से बड़ी है तो भी आप वापिस आओगे तो आप ज्यादा पीछे पहुंच जाओगे, अगर वो इनिशियल वैल्यू से कम है तब भी आप अगर वापिस आने की सोचोगे उसी रूट से तो आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए आपको जब इनिशियल फाइनल का दिक्कत आएगी तो आपको इनिशियल वैल्यू जो है, जो क्वेश्चन में आपकी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए उसको हम लेट कर लेंगे, सो पॉपुलेशन इन 2016 इज एक्स। तो अब जब वो पॉपुलेशन एक्स थी तो वो बढ़ किस रेट से रही है, 5% से, तो इसका मतलब एक्स इंटू 1 + 5/100 16 से 18 तक 2 साल बढ़ी होगी, तब जाके वो 50,000 के बराबर पहुंच गई होगी। ये बात समझ में आई क्या, इस पे मैंने लिखा है कि 2016 में अगर पॉपुलेशन एक्स थी और वो 1 + r/100 / 2 के हिसाब से बढ़ेगी तब जाके वो 2018 में 50,000 के बराबर पहुंचेगी, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इंटू, ये मैंने फिर से कैंसिल कर दिया, तो ये क्या आ गया, 21/20 / 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50,000, और यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, 50,000 इंटू 4400 डिवाइड बाई 441, ठीक है। फ्रेम्ड क्वेश्चन नहीं है ये जनरल एग्जाम्पल लिया था, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये तो डेसिमल में आ गई, डेसिमल में आ गई इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे छोड़ दिया था, कि ये फ्रेम्ड क्वेश्चन नहीं है, हमारा मकसद बस प्रोसेस को समझना था कि किस तरह से प्रोसेस काम करेगा। अगर आपको 18 से 20 में पहुंचना था, आपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन से समझा कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है या अमाउंट दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन से समझा कि इनिशियल वैल्यू पता है तो वो प्रिंसिपल होती है, फाइनल अमाउंट तक जाना है। फिर आपने दूसरे एग्जाम्पल में, दूसरे पार्ट में देखा कि आपको 2018 का के बारे में तो पता है लेकिन 2016 के बारे में नहीं पता, तो इसका मतलब 2016 होना चाहिए इनिशियल, तो जबकि आपको पता कौन सा था, 2018, इसलिए आपने कहा कि इनिशियल वैल्यू लेट कर लो, इनिशियल वैल्यू किस हिसाब से बढ़ेगी, 5% के हिसाब से, तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का यूज किया,
वो किसके इक्वल आना चाहिए, 50,000 के इक्वल। आपने इसको इक्वेट करके फिर से ट्रांसपोजिंग की, डेसिमल में नहीं आएगा क्योंकि पॉपुलेशन की बात है, लोगों की संख्या डेसिमल में नहीं आ सकती। अगर ये कोई प्राइस प्रूस की बात होती तो हम कर लेते पूरा इसको, लेकिन फ्रेम्ड क्वेश्चन में ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो आप जो कहने की बात है वो यह आप समझ गए होंगे कि वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट भी हो सकती है, वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट भी हो सकती है, और वैल्यू जो है मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे जैसे हम यहां पर करते हैं, चलो मान लो 50,000 लोग थे, अगले साल 5% कम हो गए, तो अगले साल कितने लोग बच गए, 1 - 5/100, किन्हीं कारणों से 5% लोग कम हो गए। वो जो कंसेप्ट हमने कहा था कौन सा, P(1+R1/100) (1+R2/100) (1+R3/100), अगर अलग अलग रेट दी हुई है तो वही यहां पर यूज होगा। अगर कम हो रही है तो उसमें माइनस करते हैं। मान लो अगले साल पॉपुलेशन बढ़ गई 4%, तो मैंने लिख दिया 1+4/100। अगले साल फिर से पॉपुलेशन बढ़ गई 6%, तो 1+6/100। इस तरह से मैं सॉल्व कर दूंगा अगर 3 साल की बात है तो। तो रेट्स जो हैं जिस हिसाब से अगर बढ़ रही है तो 1 - R/100, अगर वो घट रही है तो 1 - R/100। ठीक है, कंसेप्ट वही है, आत्मा इसकी वही रहेगी, लेकिन वो हमें डिसाइड करना है, हमें अपने दिमाग से सोचना है कि वो प्रेजेंट वैल्यू जो दी हुई है वो हमारे प्रिंसिपल में का रोल प्ले करेगी या वो अमाउंट का रोल प्ले करेगी। ठीक है, थैंक्स गाइस, और ट्राई करते रहो, कोई मुश्किल बात नहीं है। और इसके अलावा कई क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे कई बुक्स में जिनमें जो टाइम की पावर है 10 दी होगी, या टाइम की पावर है मान लो 26 दे रखी है, तो जिनमें हायर पावर्स इन्वॉल्व होगी ना टाइम की, उसमें आपको जो इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा वो आपको दिया होगा क्वेश्चन में ही। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया 1+4/100^26, तो आपको क्वेश्चन में ये बात लिखी होगी कि ये 1.04 की पावर अगर 26 आ जाए तो आपको 2000.0136 यूज करना है। इस तरह से वैल्यू गिवन होगी अगर हायर पावर्स आ जाती हैं तो। नॉर्मली हमारे पास 2 साल 3 साल बात खत्म। अगर 3 साल से ज्यादा की वैल्यूज आ जाती हैं, इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन में ही उनकी वैल्यू गिवन होगी कि यूज दिस इज इक्वल टू दिस। उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो क्वेश्चन चलेगा वो 2 और 3 ईयर्स के बीच में ही चलेगा। एप्रिशिएट डेप्रिशिएट कुछ भी हो सकता है, आपको पता करना है कि इनिशियल वैल्यू है या वो फाइनल वैल्यू है, तो उसी हिसाब से प्रिंसिपल है या अमाउंट है उसी हिसाब से काम कर रहा है हमें। ठीक है, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और हम इस पर बहुत सारा और काम करने वाले हैं। ओके गाइज, थैंक यू।